हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर 10th क्लास एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड देर आर टू काइंड ऑफ यू कैन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला हमने पढ़ा जाइलम और दूसरा हमने पढ़ा फ्लोएम। तो फ्लोएम और जाइलम में क्या डिफरेंस होता है वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जो हमारे पिछले लेक्चर से अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट डिफरेंस वी विल टेक, दैट इज इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। कि जाइलम जो है इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के थ्रू ही वाटर को ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको सप्लाई करते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यू कैन से प्लांट्स। लेकिन जब हम फ्लोएम की बात करते हैं, इट कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एज वे जो फूड मटेरियल्स, वहाँ पर जो लीव्स हैं वहाँ पर जो सिंथेसाइज होता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो इसको सप्लाई करते हैं। फिर सेकेंड डिफरेंस इज दैट कंडक्शन ऑफ मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। कि हम देखते हैं कि जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल है। कि अगर हमारे पास सपोज ये एक प्लांट है, ये इसका रूट्स हैं, ओके, और ये हमारे पास इधर इसका स्टेम है और स्टेम के पास ब्रांचेज हैं और वहाँ पर बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं इस तरह से। तो इसका मतलब जब वाटर है वो रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व होता है, वाटर इज ऑब्जर्व थ्रू द रूट्स एंड इट गोज अपवर्ड, वो अपवर्ड जाता है थ्रू द लीव्स में जाएगा, इधर जाएगा और एपिकल में, मीन्स जो डायरेक्शन है इट इज यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर हम जब फ्लोएम की कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन कैन बी बाई डायरेक्शनल। यहाँ पर क्या होगा, जो कंडक्शन है वो बाई डायरेक्शनल हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लीफ है, लीफ इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, कि जहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो रहा है, और जब फूड सिंथेसाइज होता है तो वो क्या करता है, वो नीचे रूट्स में भी जाएगा और यू कैन से जो स्टोरेज ऑर्गन्स हो गए वहाँ पर भी जाएगा, ठीक है ना, साइड में भी जाएगा, इधर भी जाएगा फूड, और अपर भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। तो दैट मीन्स यू कैन से बाई डायरेक्शनल यहाँ पर फूड का कंडक्शन हो सकता है। नाउ कंडक्टिंग चैनल्स, कि जिसके थ्रू कंडक्शन होना है उसमें, जिसको हम ट्रैकेरी एलिमेंट्स बोल सकते हैं, आर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हमें बनाना हो कि आउट ऑफ विच इज ट्रैकेरी एलिमेंट, तो हमारे पास गिवन होंगे, उसमें ट्रैकीड्स दे देंगे, वेसल्स दे देंगे और कोई और कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। बट अगर हम बात करते हैं फ्लोएम में, कंडक्टिंग चैनल्स आर सीव ट्यूब्स, कि यहां पर कंडक्ट जिसके थ्रू फूड होगा वो हमारे पास सीव ट्यूब्स होंगे। मीन्स सीव ट्यूब किससे बनी है, सीव सेल से बने, सीव ट्यूब सेल से बनी है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ डिफरेंस, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये चार तरह के यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम के अंदर, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। एंड साइमल्टेनियसली फ्लोएम में अगर हम देखें, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं यहाँ पे, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चार तरह के यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज फोर कॉम्पोनेंट्स हम इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यहाँ पर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये चार कॉम्पोनेंट मिलके एक फंक्शन करते हैं। फंक्शन क्या है, कंडक्टिव वाटर एंड मिनरल्स। इसी तरह यहाँ पर ये चार जो यू कैन से कॉम्पोनेंट है वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, जो फूड का कंडक्शन करता है। नाउ जाइलम, जाइलम थ्री ऑफ द फोर एलिमेंट। कि जाइलम के अंदर अगर हम देखें कि थ्री मीन्स चार एलिमेंट है टोटल, इसमें से तीन तो डेड ही एलिमेंट्स हैं, जैसे ट्रैकीड्स हैं दे आर डेड, वेसल्स दे आर डेड, फाइबर्स दे आर डेड, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। तो इसमें कहने का मतलब कि जाइलम के अंदर तीन ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो डेड है और लिविंग है सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं, यहाँ पे इन फ्लोएम थ्री और फोर आर लिविंग, मीन्स तीन जो है वो लिविंग है, जैसे एक सीव ट्यूब लिविंग सेल होता है, कंपेनियन सेल लिविंग होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। दैट मीन्स ओनली वन फ्लोएम फाइबर आर डेड। इसमें क्या होगा, फ्लोएम के अंदर एक ही डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है। चलिए लास्ट जो डिफरेंस है, इन एडिशन टू कंडक्शन ऑफ जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। की जाइलम जो है वो कंडक्शन का काम करता है वाटर एंड मिनरल्स का, लेकिन इसके एडिशन में वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, देर इज ए लिटल मैकेनिकल फंक्शन। कि यहाँ पर फाइबर्स तो होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स आर देयर, बट वहाँ पर लिटल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं।
लेकिन जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं दे सम प्लांट्स आर सोर्स ऑफ द कॉमर्शियल फाइबर, कि उससे कॉमर्शियल फाइबर मिलता है, लाइक जूट मिलता है, हेम्प मिलता है, फ्लेक्स मिलता है, तो दैट मीन्स दीज आर ऑफ कॉमर्शियल यूज। जैसे हम कहते हैं कि रोप्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना, टाइट करने के लिए हमारे पास भारी भारी बहुत बड़ी बड़ी रोप्स बनाई जाती है, दे आर यू कैन से फ्रॉम दीज फाइबर्स। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से डिफरेंसेज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों अगर आज का चैनल आपको आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यू कैन से एनिमल टिश्यूज के बारे में हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।